Hello friends, welcome to Engineering Access Classes. I am your teacher Mohit Pant. Basically, at KLK last class में हमने पढ़ा था current divider rule और voltage divider rule पढ़ा था. और उसके बाद हमने source transformation भी पढ़ा था. ठीक है. अब इस lecture से जो upcoming lectures आएंगे, उसमें हम जो questions के जो special type के questions होते हैं या जो concepts होते हैं जो exam में बनते हैं, वो सब करेंगे हम पहले. ठीक है. तो आज से हम उसको शुरू करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. मैं केस नंबर इसको समझा चलूंगा. पहला है केस फर्स्ट, स्पेशल केस क्वेश्चन है. जो भी क्वेश्चन फ्रेम होगा मैं सब समझा दूंगा वहां पे आपको. इन केसेस का आपका इस्तेमाल जो क्वेश्चंस में भी होगा, जो क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, उसके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो हमें समझना है. ठीक है. पहला जो केस है, कॉन्सेप्ट है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है. वो क्या होता है? ठीक है, तो पहला देखते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन. तो वोल्टेज सोर्स जब भी सीरीज में होंगे, सीरीज मतलब दोनों में करंट क्या होगी, सेम होगी, तो उनका एल्जेब्रिक सम होता है. ठीक है, जब भी वोल्टेज सोर्स हमारे सीरीज में होंगे तब उनका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम मतलब एडिशन भी हो सकता है और सबट्रैक्शन भी हो सकता है. ठीक है, तो आप लिखोगे वोल्टेज सोर्स सोर्सेस आर एडेड और सबट्रैक्टेड इन सीरीज. सीरीज में वो क्या होता है, आपस में ऐड होते हैं और सबट्रैक्ट हो जाते हैं. आर एडेड और सबट्रैक्टेड इन सीरीज. ठीक है, तो एग्जांपल को अपन देख लेते हैं. मेरे पास वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है, ये V1 हो गया, V2 हो गया. ठीक है, तो देखो दोनों की पोलैरिटी सेम है, सेम पोलैरिटी है. और देखो ये भी ऊपर कोई करंट फ्लो कराएगा, ये भी ऊपर करंट फ्लो कराएगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे. तो दोनों का जो नेट वोल्टेज सम आएगा, इसको मैं लगी ऐड लगा आपस में, तो ये बन जाएगा, तो जब V2 रूलर हमारा V1 plus V2, तो V1 मेरे कितना V1 plus V2. देखो दोनों क्या हो, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ये भी करंट ऊपर फ्लो करा रहे हैं, करंट में, तो दोनों के फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो सीरीज में क्या हो जाता है, वोल्टेज सोर्स का एडिशन और सबट्रैक्शन हो सकता है. ठीक है, अगर मान लेते हैं ये 15 वोल्ट है, मान लेते हैं 15 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो ऐड हो कितना जाएगा यहां पे, 15 प्लस 10 कितना, 25 वोल्ट हो जाएगा. तो अगर आप देखोगे कभी भी, अगर आपको सीरीज में वोल्टेज सोर्स देखते हैं, दोनों एडिशन है और दोनों करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो आप दोनों को अलग ना लिख के आप दोनों को एक साथ मर्ज करके दिखा सकते हो. न्यूमेरिकल आपका थोड़ा सा ऐसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. ठीक, इसमें एक बात ध्यान देने की है, तो ये तो अभी सेम पोलैरिटी थी, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. ठीक है, करंट जो थी सेम डायरेक्शन में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है. अब मान लेते हैं पोलैरिटी उल्टी हो गई, इसकी पोलैरिटी ऊपर को है, इसकी पोलैरिटी नीचे हो गई है, क्या हो गया, उसकी पोलैरिटी ऊपर को, इसकी पोलैरिटी कहाँ होगी, नीचे को. तो ये तो करंट ऊपर फ्लो करवाएगा और ये करंट कहाँ फ्लो कराएगा, नीचे को. तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो यहाँ दोनों का फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट तो यहाँ हम लिखेंगे वी वन माइनस वी टू, और हम लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन, डिपेंड करेगा बड़ा कौन सा है. तो यहाँ बड़ा कौन सा है, वी वन को मैंने 15 माना है, 10 माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी वन माइनस वी टू लिख देता हूँ. ठीक है, और पोलैरिटी जो होगी बड़े वाले को देखते हो, बड़ा वाला कितना, 15 माइनस 10 कितना, 5 वोल्ट हो गया. बड़े वाले की डायरेक्शन कहाँ को, ऊपर को है, तो बड़े वाले को देख के पोलैरिटी डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, बन जाएगी. तो कभी भी अगर दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं, अगर अपोजिट करंट फ्लो करा रहे हैं, तो आप दोनों को सेपरेट कर लोगे, पोलैरिटी जो होगी बड़ा वाले देख के होगी, और आप उसको मर्ज करा के बना सकते हो. ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक हो गया, तो अगर वोल्टेज सोर्स जो 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 होते हैं हमारे, ये हमेशा सीरीज में एडिशन होंगे. अगर वो यहाँ भी दो लिए तो तीन भी हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, आप सिंपली चार पांच कितने भी हों, इट डजंट मैटर. आपको सिर्फ पोलैरिटी चेक करनी है, सेम पोलैरिटी सेम तरह जा रही है, तो ऐड कर लो ना सब्ट्रैक्ट कर लो. ठीक है, मैं उसको रख कर रहा हूँ. ठीक है, अच्छा अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको. मुझे इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज ऐड नहीं होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ऐड नहीं होती,
उनके द्वारा दिए गए जो भी करंट, जो भी खैर ऐड हो सकती जो भी बात, लेकिन वोल्टेज कभी ऐड नहीं हो सकती। पैरेलल में वोल्टेज अभी ऐड नहीं हो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज समझता है यहाँ पे। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्ट राइज होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम सारा यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है, आपके पास एक रजिस्टर है जो कि 4 ओम का है, संग एक वोल्टेज सोर्स लगा 10 वोल्ट का है, और एक वोल्टेज सोर्स लगा 10 वोल्ट का, ठीक है। 10 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का है। ये क्वेश्चन ऐसे टाइप लगे हुए पैरेलल में, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, और एक होता है प्रैक्टिकल फॉर्म, ठीक है। एक तो थ्योरेटिकल और एक तरीका क्या है कि आप थ्योरेटिकल करो। थ्योरेटिकल मतलब केबल कैसे लगाओ, आप केबल लगाओ, केसेल लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको सॉल्व करो। तो ये केबल केसेल जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, थ्योरेटिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, आप कुछ नहीं लगाओ, आप सिर्फ वहां पे करंट सोर्स लगाओ, एमीटर लगा लो, वोल्टमीटर लगा लो, वो आपका आंसर आपको दे देगा, आपको कुछ नहीं लगाना वहां पे। सही मैंने आपको पहले एक सर्किट दिया बना के, आप बोला यहाँ पे करंट कितनी है, अब बताओ मैंने बोला यहाँ करंट कितनी है, करंट कितनी है, तो आपने अगर एक तरीका क्या कि आप उसको केबल से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा उसका, थ्योरेटिकल आंसर हो गया, और आप उसको प्रैक्टिकल सॉल्व कर लो तो आप एक एमीटर लगा लो, वोल्टमीटर लगा लो, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो दोनों एक्सपर्ट्स हम आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट पहली अप्रोच हमारी क्या होती है, थ्योरेटिकल होती है, क्योंकि हमने पहले थ्योरेटिकल से रीड पढ़ी है, ठीक है। तो पहले और लेकिन एक चीज होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है सॉल्यूशन का, वो तब लगता है जब किसी सर्किट में केवीएल केसीएल अप्लाई हो रहा हो। समझ में आया ना, अगर किसी सर्किट में केवीएल केसीएल अप्लाई नहीं हो पा रहा है, कॉन्सेप्ट खराब हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सर्किट थ्योरेटिकल सॉल्व नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सर्किट्स होते हैं जो थ्योरेटिकली उनका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं होता, आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उस दौरान आप फिर इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक कर लोगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, उसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, हम सिर्फ उसको समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा थ्योरी उसको सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही है, ठीक है। तो जिस सर्किट में केबल कैसे अप्लाई नहीं हो सकता, वो सर्किट थ्योरेटिकली तो नेटवर्क के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम यहाँ समझते हैं, देखो हमने जैसे ये सर्किट बनाया यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया, ठीक है, ये हमारा लोड है, मतलब देखते हैं थ्योरेटिकली सर्किट सही है, देखते हैं इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट आ रही है, इसकी यहाँ से कितनी वोल्टेज आ रही है 10, तो दोनों वोल्टेज क्या दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं, दोनों वोल्टेज क्या दे रहे हैं, इक्वल हो रहा है, 10 वोल्ट यहाँ से पा रही है, 10 वोल्ट इससे भी आ रही है। तो मतलब क्या है, अगर दो वोल्ट अगर और हमने थ्योरी क्या पढ़ी है, किसी भी दो पॉइंट पे, किसी भी लोड के अगर किसी भी दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो एक ही हो सकता है, ये भी 10 वोल्ट कर रहा है, ये भी 10 वोल्ट कर रहा है, तो यहाँ वोल्टेज कितनी आएगी, 10 वोल्ट आएगी, तो हम निकाल सकते हैं करंट कितनी होगी, V upon R, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो थ्योरेटिकली इट इज अ करेक्ट सर्किट, ये करेक्ट सर्किट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें केवल साइन सॉल्व हो जाएगा या हमारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो देखो करंट कितनी है, इसके अंदर करंट निकाल लेते हैं, करंट हो जाएगी यहां पे कितना, V upon R, यहां से भी 10, यहां से भी 10, तो वोल्टेज कितनी है 10 मिली होगी, तो I हो जाएगी कितना 10/4, 10/4 कितना हो गया तुम्हारा 2.5 एम्पीयर, तो यहां से करंट कितनी आएगी 2.5 एम्पीयर, इसके अंदर करंट कितनी होगी 2.5 एम्पीयर होगी, ठीक है। और आप देखोगे 2.5 में से आधा यहां से आएगी, आधा तो यहां से आएगी 1.25 एम्पीयर और 1.25, तो आधी करंट ये दे रहा होगा, ठीक है, आधी कौन दे रहा होगा, ये आधी ये दे रहा होगा। तो इस तरीके से हम सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर एक सोर्स है, एक लोड है, उसमें दो वोल्टेज सोर्स लग रहे हैं, दोनों सेम पोलैरिटी का, दोनों वोल्टेज सेम है, तो थ्योरेटिकली इट इज राइट, ये जो राइट सर्किट, और आप इसका आंसर निकाल लोगे, और प्रैक्टिकल भी इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, आप उसको निकाल दो, थोड़ा अंतर हो सकता है लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्म थी, इसको मैंने ए नाम दे दिया। अच्छा
अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट का पार्ट है हमें बी पार्ट। बी पार्ट में क्या देखते हैं, बी पार्ट में ये टेन है, ठीक है ये टेन हो गया, ये फोर ओम हो गया, यहां पर हो गया मेरा सिक्स ओम, सिक्स वोल्ट हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, चेंज क्वेश्चन चेंज क्या करा मैंने, वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यहां टेन टेन था, यहां लगा दिया मैंने टेन और सिक्स लगा दिया, ठीक है बाकी सब चीज सेम ही है। अब क्या होगा, क्या थ्योरेटिकल सॉल्व हो पाएगा इसको समझते हैं। देखो थ्योरेटिकल सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा देखते हैं, इसकी कितनी वोल्टेज आ रही है यहां से, यहां टेन वोल्ट आ रही है, इससे इसकी कितनी वोल्टेज आ रही है यहां पे, इसकी यहां वोल्टेज आ रही है छह वोल्ट, बट किसी भी पॉइंट के क्रॉस ये एक टाइम में एक ही वोल्टेज हो सकती है, या तो छह होगी या टेन वोल्ट होगी, समझ में आया ना। तो इस चक्कर में ये इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो आप बोलोगे थ्योरेटिकली इट इज अ इनकरेक्ट सर्किट, थ्योरेटिकली इट इज अ इनकरेक्ट सर्किट, ये इनकरेक्ट सर्किट हुआ थ्योरेटिकली, क्योंकि थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्यों, थ्योरी बोलती है कि किसी भी पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे या किसी भी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक टाइम में एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, या तो छह होगा या दस होगा, बट यहाँ दोनों आ रहे हैं, इसलिए इट इज अ थ्योरेटिकली इनकरेक्ट सर्किट, ठीक है। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे सॉल्व करो, मतलब ऐसे सर्किट बना के प्रैक्टिकली अगर आप इसको ऐसे सारी सर्किट को बनाओगे और यहाँ पर करंट निकालोगे, ठीक है, तो जो करंट आएगी, जो करंट आएगी वो आ जाएगी आपका बड़े वाले को देख के आएगी, छोटे वाले को देख के आएगी, तो छोटा कितना है सिक्स वोल्ट, तो करंट यहाँ पे आती है सिक्स बाय फोर थ्री बाय टू, मतलब कितनी आएगी 1.5 एम्पीयर आ जाएगी, तो करंट कितनी आ जाएगी, यहाँ हमारी करंट आ जाएगी 1.5 एम्पीयर। तो जो ये 1.5 आ रही है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये जो आपने करंट वैल्यू निकाली है ये आपने इंस्ट्रूमेंट से निकाली है, समझ में आया ना। तो आपने ये बताया कि जब हम लगा रहे हैं तो जो करंट आएगी वो छोटे वाले वोल्टेज को देख के फ्लो होती है, मतलब इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कभी अगर आपके एग्जाम में, ये इसलिए आपको कर रहा हूँ, अगर आपके ऑप्शन में चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर चारों में से एक ऑप्शन है इनकरेक्ट है तो आपका डी आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन चारों ऑप्शन गिवन है, चारों में वैल्यूज गिवन है, उसमें से अगर एक आंसर है 1.5 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.5 है। तो क्वेश्चन इस तरह बनते हैं एग्जाम, जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो आपके ऑप्शन है, मान लो आपके ऑप्शन है 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर और डी ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट सर्किट, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा है और आपके ऑप्शन ये है 1.5 ए बी है 1.5 2 3 1.5 आंसर ये है, तो ये छोटे छोटे जैसे इनकरेक्ट सर्किट, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर, आप इसका आंसर क्या मार्क करोगे, डी मार्क करोगे। बट क्या होगा अगर यहाँ पे इनकरेक्ट की जगह यहाँ पे लिखा होता 4 एम्पीयर, तो इनकरेक्ट है ही नहीं, मतलब इन्होंने प्रैक्टिकली फॉर्म तरीके से सॉल्व किया है, तो आप इसका आंसर क्या मान लो, आप इसका आंसर मान लोगे 1.5 एम्पीयर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, तो इसका आंसर हमारा ठीक हो गया। तो ये हो गया इसका बी पार्ट का एग्जाम क्वेश्चन अगर बन जाए तो थ्योरेटिकली राइट सर्किट ये है और ये थ्योरेटिकली इनकरेक्ट सर्किट है, तो इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक चीज और है, जैसे कि हमने भी क्वेश्चन लिखा था, हमने लिखा था ये लिखा था मैंने 10 वोल्ट और यहाँ लिखा था 4 ओम, ठीक है, और यहाँ लिखा था 6 ओम, 6 वोल्ट लिखा था ना, तो थ्योरेटिकली इट इज अ रॉन्ग सर्किट, मैंने बोला था, ठीक है। अगर आप उसको थ्योरेटिकली राइट बनाना है, और आपको थ्योरेटिकली राइट बनाना है, क्या ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो यहां पे रेजिस्टेंस लगा सकते हो, या तो यहां लगा लो या फिर आप यहां लगा सकते हो, क्यों, इससे क्या होगा अगर यहां रेजिस्टेंस आ जाएगा तो अब जो 10 वोल्टेज यहां पूरी नहीं आएगी, अब यहां पूरी 6 वोल्टेज आएगी, आपका सेल्फ ये सर्किट थ्योरेटिकली राइट हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, यहां रेजिस्टेंस लगा के आप यहां रेजिस्टेंस लगा सकते हो, तो अब क्या हो जाएगा, ये 6 वोल्ट यहां डिवाइड हो जाएगी, यहां पे पूरी 10 वोल्ट आ जाएगी, तो ये सर्किट आपका थ्योरेटिकली क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही में है ना। तो कभी अगर ऐसे भी कोई कॉन्सेप्ट पूछता है तो हम क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको इसको थ्योरेटिकली राइट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, उससे क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो दूसरी वाली वोल्टेज हमारी यहां पे क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी,
ठीक है ना, दोनों जगह मतलब आप एक जगह पर आई एक जगह लगा इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और होता है क्या कि अगर ये तो हमने आइडियल माना है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसका अपना इंटरनल आर भी होता है, तो उसकी वजह से ड्रॉप ऊपर नीचे हो जाता है। तो कई बार हम अभी तो हमें ड्रॉप नहीं पता ना कितना उसका इंटरनल आर है, बट अगर आपको इंटरनल आर पता हो जाएगा तो आप उसको लग के भी उस सर्किट को वैलिड बना सकते हो। ठीक है ना, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या है हम देखते हैं इसको। ठीक है, सी पार्ट में क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट यहाँ रेजिस्टर लगा मैंने। ठीक है, इसको आप आर मान लेते हैं, इसको आप 4 ओम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 10 वोल्ट है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा रख लिया मैंने ऐसा, जिससे मैंने पोलैरिटी, एक पोलैरिटी देखी नीचे रखी, दूसरी पोलैरिटी रखी मैंने नीचे। तो मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है और ये माइनस 10 वोल्ट है। ठीक है, दोनों ऊपर की पोलैरिटी ये पोलैरिटी हो जाएगी तो ये नीचे को 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये 4 होगा। तो क्योंकि ऐसे उसमें एग्जाम में आया कि ऐसे ये सर्किट हो गया, ये सर्किट हो गया, तो इस सर्किट में क्या होगा, इस सर्किट में क्या होगा। ठीक है, सर्किट में क्या होगा, करंट डैमेज होगा, मतलब क्या सर्किट हमारा ठीक ठाक रहेगा, समझते हैं। अच्छा, इस सर्किट को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। देखो ये ऐसा बन जाएगा, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया। आप इसको आगे लो, पिछले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं यहां पे 4 ओम हो गया। ठीक है, अब देखो करंट जो होती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। ठीक है, देखो पोटेंशियल और करंट जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, वोल्टेज डिफरेंस के। यहां पोटेंशियल कुछ नहीं है, जीरो है, यहां पोटेंशियल 10 है, तो यहां करंट जो जाएगी इसके अंदर, इसकी वजह से जो करंट जाएगी वो होगी 10 - 0.4, जो भी होगी 10 - 0.4 करंट होगी। ठीक है, सिमिलरली यहां भी यही होगा, 10 - 0.4 होगा। अब इसकी वजह से इसमें करंट कट जाएगी, इसके वजह से इसमें क्या करंट जाएगी, ये हो जाएगा 10 - 10, कितनी करंट जाएगी, जीरो जाएगी। मतलब क्या, इसके वजह से इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसके वजह से इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो मैं बोलूंगा इस एक टर्म होता है सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, जो सोर्स आई दूसरे में के अंदर जो करंट फ्लो कराता है उसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, तो यहां जो सर्किटिंग करंट होगी वो होगी 10 - 10 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स जो अंदर फ्लो कर रही है, और वो मेरी आ जाएगी अप्रोक्सीमेट जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां बनाता हूं, देखो इसमें क्या होगा, देखते हैं। इसमें मैंने बनाया, देखो 10 वोल्ट ऊपर हो गया, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया 10, और ये हमारा। अब इस सर्किट में क्या होगा देखते हैं, इस सर्किट में क्या होगा, देखो 10 - 0 पर, ठीक है, यहां देखो क्या होगा, इनके आपस में जो करंट होगी सर्किट वो क्या होगा, देखते आईसी जो भी 10 - 10 अपॉन इंटरनल आर, तो नियरली 20 अपॉन इंटरनल आर, तो ये करंट क्या हो जाएगी, बहुत लार्ज हो जाएगी। मतलब क्या, इनमें इस सर्किट में क्या होगा, इन सोर्सेस में आपस में ही बहुत तेज करंट क्या होगी, फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, एक्सेस करंट फ्लो होगी, जिससे ये दोनों सोर्स क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ये दोनों सोर्स क्या हो सकते हैं हमारे, डैमेज हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो हमारा ये सर्किट है, ये गलत सर्किट के अंदर आ जाता है। ये गलत सर्किट इसलिए आता है क्योंकि यहां पे क्या होता है, इनमें आपस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी और ये डैमेज हो जाएगा। सही मायने में डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा, जो भी आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि इनमें आपस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। लोड को दे रहे होंगे लेकिन आपस में इतनी तेज करंट फ्लो होगी क्योंकि इंटरनल आर बहुत स्मॉल होता है, हमने कहा 20 अपॉन इंटरनल आर, अगर इंटरनल आर 0.01 मान लो तो इतनी ज्यादा एंपियर फ्लो होगी कि यह जल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कभी भी हम सर्किट बनाते हैं हम एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी वाले सर्किट को प्रेफर नहीं करते हैं, वरना सर्किट के डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। हम ऐसा प्रेफर करेंगे कि दोनों की पोलैरिटी क्या हो, एक दूसरे के आमने सामने।
ठीक है। तो ये सारे केसेस हमने पढ़ लिए यहाँ यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के जितने भी हमारे जो कॉन्सेप्ट बनते थे भले ही सीरीज में पैरेलल में वो हमने देख लिए इसमें, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन क्या है कि कई बार तो यही एग्जाम में आपके आ जाते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। उसके साथ साथ जो हम अपकमिंग क्वेश्चन ये करेंगे आपका, उसमें भी इनका इस्तेमाल, इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज के उसको आज की वीडियो इतना ही है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट सोर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।